दोस्तों, कुछ दिन पहले ही YouTube का नया अपडेट आया था जिसमें आप 3 थंबनेल लगा सकते थे और जिस थंबनेल में सबसे ज़्यादा सीटी आ रहा है, मतलब जिस थंबनेल में सबसे ज़्यादा क्लिक आ रहा है, YouTube खुद बता देगा कि थंबनेल में सबसे ज़्यादा क्लिक आ रहा है। मतलब इस थंबनेल की वजह से जो आपकी वीडियो का सीटी आ रहा है वो हाई हो रहा है, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा थंबनेल सबसे अच्छा है और वही थंबनेल जो है अपनी वीडियो में आप लगा लोगे। लेकिन YouTube का एक और नया अपडेट आया है जिसमें आप 3 टाइटल का सजेशन मिलेगा आपको। YouTube AI के माध्यम से आपको 3 टाइटल का सजेशन दिया जाएगा जिसमें तीनों टाइटल सर्च इंजन वाला टाइटल होगा। दोस्तों, पहले क्या होता था कि जब हम वीडियो बनाते थे उसके बाद YouTube पर जब अपलोड करते थे तो टाइटल लिखते थे, जो टाइटल में है वही डिस्क्रिप्शन में लिखते थे और जो डिस्क्रिप्शन और जो टाइटल में है वही टैग में लगाते थे, उसके बाद अच्छा थंबनेल भी बनाते थे और अच्छा वीडियो बनाते थे, तब जाकर हमारा वीडियो सर्च इंजन में जाता था, उसके बाद सजेशन में जाता था, फिर ब्राउज फीचर में जाता था, यूट्यूब फीचर में जाता था, पेज में जाता था, तो कहीं ना कहीं 7-8 तरीके से हमारे वीडियो पर व्यूज आता था। लेकिन अब जो है YouTube आपको खुद ऐसा टाइटल देगा जो सर्च इंजन वाला टाइटल होगा, और जो सर्च इंजन वाला टाइटल होता है ना, वो कहीं ना कहीं लॉन्ग समय तक उस पर व्यूज आता है। मतलब जो वीडियो सर्च इंजन में चला गया उस वीडियो में हमेशा लॉन्ग समय तक व्यूज आएगा, मतलब लॉन्ग समय तक वो वीडियो चलता रहेगा और कहीं ना कहीं वो वीडियो वायरल भी हो सकता है। तो YouTube ने AI के माध्यम से 3 आपको टाइटल दिया जाएगा और तीनों टाइटल सर्च इंजन वाला होगा। लेकिन दोस्तों, टाइटल के बीच में जो शब्द है वो आपको चेक करना है, कोई ऐसा शब्द तो नहीं है जो YouTube के कम्युनिटी गाइडलाइन के खिलाफ हो, तो ये आपको चेक करना है। YouTube ने खुद कहा है कि AI का बस इतना काम है कि आपको 3 टाइटल लाकर दे देगा और उन 3 टाइटल में क्या लिखा है वो आपको चेक करना है, मतलब डिस्क्रिप्शन से मिलता जुलता ही आपको टाइटल लाकर दिया जाएगा और उस टाइटल में जो शब्द है वो आपको चेक करना है। ऐसा भी हो सकता है कि AI कहीं कम्युनिटी गाइडलाइन के खिलाफ कोई ऐसा शब्द तो नहीं डाल दे टाइटल में, ऐसा शब्द तो नहीं ले आया है जिससे आपका चैनल खतरे में जा सकता है, मतलब आपका चैनल मोनेटाइज है तब भी दिक्कत है और नहीं मोनेटाइज है तब भी दिक्कत हो सकता है, तो ये चेक करना आपका काम है। AI का तो बस इतना काम है 3 टाइटल आपको सजेशन में दे देगा कि ये देखो 3 टाइटल है और इसमें आप चेक करो गलती क्या है, तो ये आपको चेक करना। आपको विशेषकर ये भी चेक करना है कि कम्युनिटी गाइडलाइन के खिलाफ कोई शब्द तो नहीं है टाइटल के अंदर, अगर ऐसा है तो बहुत दिक्कत हो सकता है, तो ये सारी चीज़ें आपको चेक करना है क्योंकि YouTube नहीं चेक करेगा और ना ही AI चेक करेगा, ये आपको खुद चेक करना पड़ेगा। दोस्तों, जब ये सारी चीज़ आप अच्छी तरह डाल लोगे ना, जैसे टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टैग और थंबनेल और अच्छा वीडियो, तो कहीं ना कहीं आपका वीडियो जो है सर्च इंजन में जाएगा, सर्च इंजन में जाएगा, सजेशन में जाएगा, ब्राउज फीचर में जाएगा, यूट्यूब फीचर में जाएगा, पेज में जाएगा, मतलब 8-9 तरीके से व्यू जाएगा, तो आपका वीडियो वायरल भी हो सकता है। और मेरे हिसाब से टाइटल में ही लोग बाग जो है फंस जाते कि टाइटल क्या डाले क्या डाले, टाइटल काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं क्योंकि वीडियो तो बना लेते हैं लेकिन टाइटल में काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं और कई बार ऐसा टाइटल डाल देते हैं जो सर्च इंजन वाला ही नहीं होता है। तो अब YouTube जो है AI के माध्यम से आपको सर्च इंजन वाला टाइटल देगा, और ये अपडेट कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। बाकी के लिए इतना ही। जय हिंद।